छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि रोजी स्टर्लिंग ने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ को भी चुना। पिछले 3-4 सालों से पक्षियों का ये झुंड तखतपुर नगर पंचायत के बेलमुंडी गांव में इसी तालाब के आसपास जुटते हैं। सकरी के पास मौजूद यह जगह इन दिनों पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग बना हुआ है। इस तालाब के आसपास पक्षियों का जमावड़ा करीब सप्ताह भर पहले से होने लगा था। इनका जीवन चक्र खासा दिलचस्प है। शीत प्रवास के बाद ये वक्त इनके लौटने का है। लौटने के दौरान बेलमुंडी एक ऐसा जंक्शन है जहां ये परिंदे इकट्ठा होते हैं। परिंदों का ये समूह कभी भी वापसी यात्रा पर निकल सकता है। इससे पहले इनकी कलाबाजियां और रोमांच भरे करतब लोगों को हैरान कर रहे हैं। तभी तो हर शाम यहां लोगों का मजमा लग रहा है। इनकी टाइमिंग गजब की है। ठीक शाम बजे ये कलाबाजी शुरू करते हैं और बिल्कुल 6:30 बजे एक परिंदा घोंसले में लौटता है तो पल भर में सारे परिंदे वापस लौट जाते हैं। इसलिए पक्षी प्रेमियों के लिए इन्हें निहारने को केवल आधा घंटा ही मिलता है और ये आधा घंटा भी जिंदगी के सबसे रोमांचक पलों में से एक है। अब चिड़ियों का इतना बड़ा झुंड हम लोग को देखने के लिए कभी मिलता नहीं है और शौक बहुत है, देखने आए हैं उसको। अच्छा लग रहा है उनकी एकता, देखिए आप कितने हैं, कहीं आपस में टकरा नहीं रहे, इतने लोग होने के बाद भी कितने अच्छे से आपस में एडजस्ट करके चल रहे हैं सब। अजूबा टाइप है अपने शहर के लिए, पहली बार ऐसा देख रहे हैं इस बहुत कई सालों में। इसको डिस्टर्ब नहीं करें, जैसे भीड़ जो बढ़ रही है तो एकदम आगे मत जाएं, इनको डिस्टर्ब मत करें, डिस्टेंस बना के देखें, क्योंकि देखने की उत्सुकता सभी को है, पहली बार सब देख रहे हैं इस चीज़ को तो सभी को, लेकिन डिस्टर्ब उनको नहीं करना चाहिए, दूर से देखें। ये लगभग 2-3 साल से आ रही है यहाँ और अभी जो है होली के पहले यानी 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ है ये, और धीरे धीरे इन लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वो, और आकर्षित कर रहे हैं लोगों को, जो बाईपास में चल रहे उसको अपने कलाबाजी दिखा रहा है ये। ये करीबन 6 बजे से शुरू होता है ये और 6:30 बजे तक ये अपना स्थान ग्रहण कर लेता है ये, जो कि ये इसका स्थान है वो इसमें बढ़ जाता है ये, उसके बाद सब अपने लोग चले जाते हैं। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास निकल जाता है यहाँ से, उड़ जाता है सब। नहीं यहाँ बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, देखने में मजा आता है। नहीं हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ जो बाउंड्री वाल का व्यवस्था कर दे और यहाँ 2-4 पेड़ और बढ़िया नहीं जंगल टाइप का ही रहना चाहिए व्यवस्थित, और इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र कर दे, इसमें किसी को आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर देना चाहिए। यह तालाब के आसपास ऊंची ऊंची घास है, पास ही में एक विशाल वृक्ष भी है जो गुलाबी मैना का अस्थायी ठिकाना बना हुआ है। इनके जीवन चक्र को समझने के लिए लंबे शोध की जरूरत है। अगर ये लगातार यहाँ आते रहे तो फिर स्थानीय लोगों से इनका रिश्ता और गहराएगा और एक दूसरे के लिए समझ भी पैदा होगी। सिटी न्यूज के लिए प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।